फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं नाइन्थ चैप्टर पब्लिक वर्क अकाउंट्स, तो हमने सभी कार्य करने से पहले के साथ साथ हमें अकाउंट्स की भी जानकारी होनी जरूरी है। जितने भी जेईज होते हैं, एसडीओज हैं या एक्सचेंज वगैरह हैं, तो उन सभी को जो है अकाउंट्स के बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में कार्य करने से के साथ साथ जो है उसके अंदर जो है अकाउंट्स के जो है बहुत ही महत्ता रहती है। कि जैसे कि पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स, जितना भी पब्लिक का जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा वगैरह, TADA और बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह होते हैं, तो उन सभी जो है का लेखा जोखा जो है एक अकाउंटेंट के पास होता है, लेकिन उसकी जानकारी जो है एक्सेल या उतने उस डिपार्टमेंट के जितने भी इंजीनियर्स वगैरह रहते हैं उन सभी को भी होनी आवश्यक होती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है वर्क पब्लिक वर्क अकाउंट्स का जो है इसीलिए इंजीनियरिंग में जो है रखा गया है। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी होती है। तो अकाउंट्स क्या है, तो हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स। Accounts may be defined as a statement of income. Statement of income and receipt of public works, department that are required. Maintained systematically by the concerned member या by the concerned official for the satisfaction of public, the satisfaction of public. ठीक है, तो पब्लिक की या लोगों की जो है सेटिस्फेक्शन के लिए, जितने भी वहां पे वर्कर होते हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए, तो ऑफिशियली तौर पर जो है क्या ऑफिशियल के द्वारा, ठीक है, ऑफिशियली तौर पर जो है जो है अकाउंट का जो है ब्यौरा तैयार किया जाता है। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट दी जाती है, स्टेटमेंट तैयार की जाती है इनकम से रिलेटेड। ठीक है, कितनी किसकी सैलरी है, कितना किसका जो है हिसाब किताब है, वो सारा का सारा जो है मैनेज करते हैं जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट, जो जितने भी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तो वो उनके आपस में जो है लेखा जोखा रखने का जो विधि है वो ही क्या कहलाती है, अकाउंट्स कहलाती है। ठीक है, तो लिस्ट है जो कि रेफर्स बुक्स और अकाउंट्स, तो जो है एक जो है स्पेशल बुक्स जो है तैयार की जाती है। ठीक है, तो जो हेल्पफुल रखती है अकाउंट्स को रखने के लिए, अकाउंट्स का जो है लिखा जोखा रखने के लिए। सबसे पहली है सिविल सर्विस रूल्स। ठीक है, बुक्स का नाम है सिविल सर्विस रूल्स वॉल्यूम 1, 2, 3। ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की अकाउंट के कोड के हिसाब से जो बुक्स रखी गई है, डिपार्टमेंट फाइनेंशियल रूल्स के नाम से स्टेट ट्रेजरी रूल्स, तो ये चार प्रकार से या पांच प्रकार से जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मैनुअल ऑफ ऑर्डर्स, तो अलग अलग बुक्स के हिसाब से ही
जो है ये जितने जैसे काम के हिसाब से अलग अलग बुक में जो है ब्यौरा दिया जाता है, दिया गया है। ठीक है, तो नेसेसिटी क्यों रहती है मेंटेनिंग अकाउंट्स की, ठीक है, आवश्यकता क्यों रहती है, नेसेसिटी ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। हो रहा है कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, तो इन सभी का जो लेखा जोखा
जो है मिल जाता है इसके अंदर, अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो कितना पैसा लगेगा, टू अवॉइड अनवांटेड कॉम्प्लिकेशंस, अनवांटेड कॉम्प्लिकेशन और फाइनेंशियल लॉसेस लाइकली टू बी ऑक्यर्ड during later stage of construction work ठीक है। तो किसी भी financially losses का खतरे से जो है अवगत कराता है क्या, अकाउंट्स, ठीक है, कि हमें ज़्यादा लॉसेज वगैरह तो नहीं हो रही, कंस्ट्रक्शन के दौरान सही प्रकार से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें जो है उसके अंदर पता लग जाता है। टू सर्व एज ए गाइड फॉर फ्यूचर एस्टिमेट रिलेटेड फ्यूचर में जितना भी एस्टिमेट है उसके सभी का जो है बारे में पता लग जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर हम अकाउंट्स का कार्य करते हैं तो उसमें जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि अकाउंट्स चला जाए, लेकिन नेक्स्ट जो है हमने प्रोजेक्ट कोई भी तैयार करना है उसके बारे में हमें एस्टिमेट लग जाता है कि इस कार्य के लिए इतना पैसा की आवश्यकता या अकाउंट्स की जरूरत रहती है, ठीक है, या पैसे की जरूरत रहती है। फॉर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस and to indicate trend of cost trends of costs i.e. rising or falling of price लग जाते हैं, तो इसलिए जो है ये आवश्यक हो जाता है, ठीक है, किसका, अकाउंट का, ठीक है, अकाउंट्स के बारे में जानकारी होना। तो मेन फीचर कौन से हैं पीडब्ल्यूडी के,
फीचर्स ऑफ पीडब्ल्यूडी सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। तो जो डिविजनल ऑफिसर होता है या एक्शन होता है, द मेन डिसबर्सन ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड टू ड्रा मनी एंड मेक पेमेंट। एक जो डिविजनल ऑफिसर होता है, ठीक है, द डिविजनल ऑफिसर ऑफिसर जो कि या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, एक्शन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या एक्शन बोलते हैं ना, XEN, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है जो कि द मेन डिसबर्सिंग ऑफिसर इज द मेन डिसबर्सिंग officer who is authorized to draw money and make payment. जो कि पेमेंट बनाने के लिए और उसे ड्रॉ करने के लिए, उसे देने के लिए ऑथराइज्ड रहता है ऑफ द डिवीजन, ठीक है, किसी भी डिवीजन के अंदर ऑफ द डिवीजन, ठीक है, किसी भी डिवीजन के अंदर। तो जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसका जो है मेन जो है रहता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, या जो कि ऑथराइज करता है या पेमेंट बनाता है, ठीक है, बनाने का कार्य करता है, वो ही होता है। He is authorized to withdraw the funds from the state exchequer या treasury से जो भी fund वगैरह निकालना है तो उसके लिए ये authorized होता है action या executive engineer, ठीक है। He also permit to collect the receipt of the division and deposit them into the treasury। तो जितने भी receipt होती हैं, ठीक है, जो नीचे से आते हैं या PWD department से आते हैं, जो जेई या जो एसडीओ वगैरह जो है उसे देते हैं, ठीक है, तो वो ट्रेजरी से जो है उन रिसीव के हिसाब से ही वो फंड वगैरह निकालता है, ठीक है। द अकाउंट ऑफ ऑल रिसीव्ड्स by divisional accountant, by divisional accountant। तो जितने भी ये इसके द्वारा जो है पेमेंट बनाई जाती है या पेमेंट को ड्रॉ किया जाता है तो वो सारे के सारा जो है किसे दिया जाता है, डिविजनल अकाउंटेंट के पास कंपाइल कर दी जाती है, ठीक है, who is appointed by the account general, appointed by the account general।
मैटर रिलेटेड टू वर्क एस्टेब्लिशमेंट। जितने भी फाइनेंशियल वर्क रहते हैं, ठीक है, कार्य के दौरान, तो जो भी अकाउंट जो है अकाउंट जो कि अकाउंट करता है अकाउंट जनरल टू असिस्ट एंड एडवाइस, जो एक्शन के द्वारा एडवाइस दी जाती है, ठीक है, उसके द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है अकाउंट जनरल के द्वारा। डिविजनल अकाउंटेंट इज फर्दर रिक्वायर्ड टू मेंटेन क्लियरली द अकाउंट ऑफ ऑल द स्टोर रिसीव्ड बाय हिम। तो जितनी भी उसके पास जो है रिसिप्ट मिली हुई है तो उन सभी को जो है वो क्लियर करता है, ठीक है, पूरे का पूरा क्लियर करके ही जो है उसे टू मेक दिस अकाउंट्स अवेलेबल टू बी ऑडिटेड बाय द अकाउंटेंट जनरल। कि अकाउंटेंट जनरल के द्वारा जो ऑडिट किया जाता है तो उनको जो है पूरा का पूरा लेखा जोखा दे दिया जाता है, ठीक है, और जितना भी वो उसको जो है हिसाब किताब दिया जाता है उसे जो है वो क्लियर करता है, ठीक है। पर्सनल पेमेंट सच एज सैलरी, ठीक है, टीए बिल एक्सेट्रा ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ द डिपार्टमेंट आर मेड विल प्रेजेंट स्टेट ट्रेजरी। पर्सनल पेमेंट जैसे कि सैलरी सच एज सैलरीज टीए बिल्स सेट्रास, ठीक है, तो इन सभी को जो है ऑफ ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट made by or made on bill presented at the state treasury in accordance with the general provision of the treasury rules। जितने भी ट्रेजरी रूल्स रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही तो वह बिल की पेमेंट या सैलरी की पेमेंट देता है, ठीक है। तो ये सारा था अपना मेन फीचर जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो जो है एक्शन है तो वो जो है मेंटेन करता है या पेमेंट बनाकर देता है, ठीक है। अकाउंटेंट जो कि जनरल अकाउंटेंट के हिसाब से वहां पे रखा जाता है अकाउंटेंट ऑफिसर, तो वो उससे जो है तैयार करके जो है उन्हें जो है देने का कार्य करता है, ठीक है। सारे बिल अपने पास रख लेता है और बिल के हिसाब से ही वो सैलरीज वगैरह या टीडीए जो प्रोवाइड करवाता है किससे ट्रेजरी से, ठीक है। तो ये था, तो नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।